अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। आज की वीडियो के लिए तो जी मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मेरी मोस्ट फेवरेट और रिक्वेस्टेड वीडियो थी जी, जो मैंने स्पेशली अपने भाई से रिक्वेस्ट कर ये वीडियो बनवाई, जबकि वो मेरे साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपने घर की ग्रॉसरी कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा नहीं जी, मुझे ये थोड़ी सी वीडियो चाहिए, तो उन्होंने फ़ौरन ही मेरी कॉल बंद करके मुझे ये वीडियो सेंड की, क्योंकि मुझे क्रिसमस की डेकोरेशन करना, उसकी चीज़ों को देखना, इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। और नेक्स्ट जो है कमिंग मंथ में मैं आपके साथ सारे ये व्लॉग क्रिसमस के हवाले से शेयर करूँगी और आपके साथ अपनी डेकोरेशन भी शेयर करूँगी। तो चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। यूरोप का अभी आप स्टार्ट है, बिल्कुल आप देख रहे हैं। तो मैं आपको क्रिसमस के बारे में, तैयारी के बारे में आज अपनी मार्केट में आया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आमदे मसीह को मनाने के लिए मार्केटों को सजा दिया गया, और ये देखें, देखते जाएं, ये सारी क्रिसमस के हवाले से सजाया गया इसको, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें, सेंटा क्लॉस, और ये एक नई चीज़ है, ये काफ़ी देर बाद देखी है, काफ़ी सालों के बाद इन्होंने दोबारा लॉन्च किया, बड़ी खूबसूरत है। बलून बनाया, आगे मैं आपको बड़ा दिखाऊंगा बड़े साइज में। ये देखें, ये सेंटा क्लॉस बहुत ही खूबसूरत इस दफ़ा इन्होंने सजाए हैं। ये तो हम देखते रहते हैं, ये बड़े बड़े साइज़ों में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन ये लोग जो हैं, ये देखें, ये देखें, ये फरिश्ते बनाए हैं। सेंटा क्लॉस की कहानी आपने सुनी होगी इसके बारे में, ख्याली तौर पे ये है, लेकिन इसका बिब्लिकली तसव्वुर कोई नहीं है। तो ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, शॉपिंग भी की जा रही है साथ साथ। बूढ़े लोग जो होते हैं वो लाजमी तौर पे ये शॉपिंग करते हैं, और ये ज़्यादा इनको ही होता है, और ज़्यादा यही जोश खरोश से मनाते हैं, जो कि चर्च के साथ अटैच होते हैं। और देखें ये कितना खूबसूरत है, ये देखें, मैं आया तो ये फॉर्मल सी मार्केट में हूँ, इतनी कोई ख़ास मार्केट नहीं है। लेकिन ये मॉल नहीं है, ये छोटी मार्केट है हमारे इधर की, हमारे शहर की। और मैं आपको एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, जो कि हमें इस चीज़ के, इस चीज़ को नहीं दोहराना चाहिए, वो ये चीज़ है एक्समैस कोई लफ्ज़ नहीं है, इसके पीछे कोई सदाकत नहीं है। मैरी क्रिसमस हम कहें अपने पाकिस्तान में, तमाम जितने भी जो सुन रहे हैं, लाजमी तौर पे मैरी क्रिसमस का लफ्ज़ यूज़ करें, एक्समैस ना लिखें ना बोलें। दिखाना था, ये देखें, ये जो चीज़ है, ये ठीक है, इसके साथ अटैच की है, लेकिन ये चीज़ों पर अकॉर्डिंग टू बाइबल ये बात नहीं है। और ये देखें कितना खूबसूरत किस्म का कैलेंडर है, और ये हमें बताता है कि क्रिसमस का जो दिसंबर है, ये दिसंबर की निशानदेही करता है, और स्पेशली ये क्रिसमस के लिए बनाया, 1 से लेकर 24 तक, कि ये जिस तरह ही दिसंबर स्टार्ट होगा, ये लोग इस तरह डे बाय डे इंतज़ार करते हैं, ये उसके लिए है। और बहुत ही खूबसूरत किसी ने चीज़ बनाई है, अप्रिशिएटेड। ये इसमें और भी डिज़ाइन है, खाली ये नहीं है, ये और भी डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत है। शुरू हो गए क्रिसमस के हवाले से, ये लाइटें हैं बड़ी बड़ी खूबसूरत, और ये डायरियां हैं जो लोग क्रिसमस पे गिफ्ट देते हैं लोगों को, डायरियां हैं, कार्ड्स हैं, और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। ये देखें, ये डेकोरेशन के लिए यहाँ पे आप प्रोजेक्ट करते हैं, जब हम तैयार करते हैं सेंटा क्रिसमस ट्री को,
ये उसकी डेकोरेशन के साथ हर चीज़ है। ये देखें, ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसको मैं जूम करने लगा, बहुत ही खूबसूरत चीज़। यूरोप में वैसे भी आपको पता ही है, यूरोप में तो फिर ये चीज़ आगे है। ये मैं बलून बता रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत, दूर से इतने को खूबसूरत लग रहे थे, मुझे नहीं पता कि ये आपको वीडियो में कैसे लगेंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। ये बीच में चॉकलेट्स हैं, ये सारी चॉकलेट्स हैं, और यूरोप में रहते हुए ये 1 यूरो इतना बड़ा आपने नहीं देखा होगा, ये 1 यूरो है यूरोप का। और वाकई ये 1 यूरो का ही है, ये 1 यूरो से भी बल्कि कम है। ये पहला 1 यूरो है यूरोप का जो जिसका रेट 1 यूरो से कम है। ये यूरोप की एक मुनफरी चीज़ है जो यूरो से भी, 1 यूरो से भी कम है, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ये सारी चॉकलेट्स हैं। और मैं इस महीने नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ बाय करूँगा अपने दोस्तों के लिए, सेंटा क्लॉस। ये देखिए, ये सेंटा क्लॉस जो है, ये चॉकलेट है, ये पूरी चॉकलेट है, सेंटा क्लॉस बनाया है, लेकिन ये पूरी चॉकलेट है। इसी तरह बच्चे खाएंगे इसको, सेंटा क्लॉस को खाएंगे। ये मैं बताता हूँ, ये ट्री जो है, ये चॉकलेट्स है इसके अंदर बाइंडिंग में। तो ये लोग घरों में लगाते हैं, जिनके घर गेस्ट आते हैं, तो ये बच्चे जो है इधर से क्लिक करेंगे, बटन दबाएंगे, तो इसके बीच में से चॉकलेट निकलेगी, जैसे ये कैंडी बनी हुई है, ये कैंडीज निकलेगी, तो वो देखेंगे कि किसकी क्या निकलती है। इस तरीके से बहुत सारी गेम्स होती हैं, इसी तरह बहुत सारे केक हैं। पिछले साल हमने काफ़ी केक इंजॉय किए, उसके बीच में से 2-3 चीज़ें निकलती थी, पत्थर की बने हुआ सेंटा क्लॉस, पत्थर का बना हुआ जीसस क्राइस्ट, पत्थर के बने हुई चरनी, बड़ा खूबसूरत चीज़ें निकलती हैं। इसी तरीके से ये चॉकलेट, तो ज़ाहिर है चॉकलेट, और ये इतने कुछ जोशो खरोश से ये मनाते हैं क्रिसमस को। और ये स्पेशली कुक विद दूनी वालों की फरमाइश पर ये वीडियो बनाई गई है। अभी कॉल पर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी ये वीडियो बनाएं, मैंने कहा चलें जी मैं बना देता हूँ, अभी मेरे पास टाइम था। ये देखें कितनी खूबसूरत, ये लाइट है शायद, नहीं लाइट नहीं है, लेकिन ये खूबसूरत है घर में। अगर जैसे मैं अकेला रहता हूँ, ये मैं घर में ले जा के रखूँ, तो ये निशानदेही करते हैं कि ये मैं क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ये भी इसी तरह ये लाइट है, ये बहुत खूबसूरत लाइट है, ये पिछले साल मैंने ख़रीदी थी। इसी तरीके से ये आगे आगे, और ये बॉल वगैरह देखें, अब यूरोप में भी ये प्लास्टिक के हैं, ठीक है। ये शायद शीशे के हैं, नहीं ये भी प्लास्टिक के हैं, एक ज़माना था ये शीशे के होते थे। मेरे डैडी बाकायदा तौर पे दुबई से मंगवाते थे, तो वो शीशे के होते थे, और वो 1 साल लगते थे, अगले साल अगर वो 12 हैं तो अगले साल वो 6 रह जाते थे, टूट जाते थे। तो वो पुराने ज़माने की बात थी, लेकिन अभी ये चाइना छाया हुआ है, ये बेसिकली है चाइना की प्रोडक्ट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले ये देखें, ये एंजल बनाए हुए हैं जो खुदावंद की होशना करते हैं। तो इसी तरह आसमान पर खुदावंद की जब होशना, जब ये दिन को मनाया जाता है, तो खुदावंद की होशना होती है। तो आपने मुझे यहाँ पर बताना है कि मैं आपको कहाँ पर नज़र आ रहा हूँ, मेरा ज़रूर शायद आपको बताया जी। ये बॉल के बीच में कैमरे के साथ बना रहा हूँ, ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं। और ये समझ लेंगे, देखेंगे बटरफ्लाई हैं, और वो हम इनको हेलीकॉप्टर बोलते होते थे बचपन में, ये वो है, लेकिन इन्होंने देखे कितनी खूबसूरत बनाया। खुदा की खुशी, खुदा के साथ खुशी का इजहार करते हैं। ये देखें, ये इन्होंने बर्गर बनाए हुए हैं, बर्गर है, चिप्स है, और हॉट डॉग है, ये आ गया, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं जी। मेरा ख्याल है कि शायद ये जश्न मनाने में कमी नहीं है, बच्चों की इस फरमाइश ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से, लेकिन इधर समझ लें कि जो लोग कंपलसरी लाजमी तौर पर मनाते हैं, ये वो सिस्टम है। मेरा ख्याल है कि वीडियो 10 मिनट की हो गई है, ये मार्केट थी, ये देखें, ठीक है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ये नॉर्मल मार्केट है, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इसको एंजॉय करें, और कुछ सुनने वालों का चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और
लाइक करें, कमेंट्स करें। यहाँ पे भी ये दूसरी लाइन आपको दिखाता जा रहा हूँ, मेरा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा। ये देखें सॉक्स जो हैं, सॉक्स हैं, टी शर्ट्स हैं, और ये जब करीब जाएंगे क्रिसमस के फिर ये लोग खरीदेंगे। कैप्स हैं और जर्सियाँ हैं, सॉक्स हैं, शूज़ हैं, शूज़ भी देखें, शूज़ भी हैं और सारी चीज़ें हैं, बकाया रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। लेकिन ये मार्केटें बताती हैं,